खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। बांद्रा इश्क भारत नगर में मनियार गैंग के बारे में आम जनता की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। मनियार फैमिली इकड़े लोकांचा खूप लोकांना त्रास देतात ते, आणि त्याच्यावर मी पण नाही, तर अजून काही आहेत त्यांना पण खूप त्रास देण्याचा ते प्रयत्न करतात, आणि दुसरं कायद्याचा दुरुपयोग करून ते लोक असे सांगतात की पब्लिकला की आम्ही म्हणजे चांगलं काम करतो, त्यांना आम आदमी माझ्यासारखा जो सामान्य व्यक्ती आहे किंवा इतर काही व्यक्ती आहेत त्यांना असे त्रास देतात की त्यांना ते जीणं मुश्किल केलेलं आहे। आणि दुसरी गोष्ट, त्यांच्यावर कुणी अजून कारवाई मोठी कुणी केलेली नाही आहे। आणि दुसरी गोष्ट असं की जो BKC पोलीस स्टेशनला त्यांच्यावर अनेक गुन्हे पण दाखल आहेत, आणि शिवाय त्यांच्यावर भरपूर जणांनी कारवाया पण केलेल्या आहे, पण त्याचं अजून काय हे झालेलं नाही। पण तरीसुद्धा त्यातले एक PSI शिंदे म्हणून साहेब आहेत, शिंदे साहेबांनी त्यांच्यावर कडक कारवाई केलेली आहे। आणि दुसरी गोष्ट, ते लोक शिंदे साहेबांनी चांगलं प्रोत्साहन पण दिलेलं आहे, त्यांच्यावर चांगली कारवाई पण केलेली आहे, पण तरीसुद्धा त्यांच्यावर अजून कडक कारवाई होईल असं आमचं मत आहे। तर माझी अशी विनंती आहे की त्यांच्यावर कडक अशी कारवाई करून सामान्य जनतेला न्याय द्यावा अशी माझी आणि माझ्या या समस्या यांच्याच्या वतीने मी तुम्हाला विनंती करतो। साहेब, ये मनियार फॅमिली ये भारतनगर में इतना दहशत फैला चुकी है कि सबके बाहर अगर हम कुछ कंप्लेंट करने जाते हैं ना, तो उन लोग आके है ना सबको धमकाते हैं। तो उनकी इतनी दहशत है ना कि ये यहाँ से कुछ ना कुछ करो, उनका पब्लिक सब अंतक में है इनके वजह से। तो इनसे जरा सरकार ने इनसे जरा हमको छुटकारा देने की कोशिश होना जरूरी है। बहुत परेशान हो गए हम लोग, जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एक कुछ ना कुछ उनके ऊपर कार्रवाई करे, बस इतने ही गवर्नमेंट से हमको ये विनंती है। मुझे क्या सभी को तकलीफ है, उनकी फैमिली इतनी गंदी और बेकार है कि कम से कम उनके ऊपर 20 से 30 केस है, और उन लोगों ने पूरे मोहल्ले को पूरे गांव को परेशान करके रखा हुआ है, और उसके बावजूद उनके ऊपर MMRD हो गई हो या पुलिस सीनियर हो गए हो, वो साहब के ऊपर उन लोगों ने जुल्म किया, और पुलिस वालों के खिलाफ लोग खड़े होते हैं, पब्लिक के खिलाफ खड़े होते हैं, कोई अच्छा आदमी होता है उनके खिलाफ खड़े होते हैं लोग। जब अब जाके उनके किसी एक भाई को उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया है कोई शिंदे साहब करके, और हम सब की तरफ से उनको सलाम है, और हम इतने खुश हैं कि इनसे जुल्म से हमारे को थोड़ा निजात मिले, छुटकारा मिले हमें, और हम इसीलिए अभिनंदन करते हैं पुलिस का। देखो, ऐसा है कि पत्थर नगर के अंदर आज ऐसा हो रहा है कि पानी के लाइन के बारे में और पानी के मसले पे लीगल लाइन देने का बोल रहे नो मनिया फैमिली, और 2,60,000 रुपया हमारे से लेकर गए और लीगल लाइन दिए ही नहीं उन्होंने, अनलीगल लाइन लगाए थे उन्होंने, और लाइन लगा कि इन्होंने ही खुद BMC से आकर और लाइन को कटवा दिया, और फिर हमको धमका रहे कि हमारे को और पैसे दो तो हम तुमको लाइन लगा के देते हैं लीगल लाइन, और अभी तक लीगल लाइन लगी नहीं, अनलीगल लाइन लगी तो उसको भी कटवा दिया। और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग ने FIR भी किया है और इनके ऊपर केस भी दर्ज है 420 का, हाँ, और ये हमेशा हमारे को धमकाते हैं और कोई कार्रवाई होती नहीं है, इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई इनके ऊपर हुई नहीं है। यार, फैमिली के बारे में तो हमने पहले भी ये सुना था कि डेंजर फैमिली है और काम धंधा है, यानी कि उनका तो कुछ है ही नहीं जैसा लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम खड़ा करना। अभी बीच में ये भी सुना था कि यहाँ के DCP ने कुछ उनके ऊपर एक्शन लिया था, तो कुछ बिहेवियर क्योंकि उन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम ट्रैक की थी। पुलिस तो बाकी अपना अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सुना है उनके बारे में कि उनके काम भी कुछ जैसे उनके बहुत ज़्यादा इनके बारे में सुनने मिला हमें, ठीक नहीं है ये फैमिली, ठीक नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को अंजाम देना है ये चीज़ काम को, कि आसपास में भी सब परेशान होते हैं, तकलीफ होती है इन लोगों को, तो पुलिस जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, पुलिस अपनी जगह पर बहुत अच्छी है, और पुलिस से हमारी ये गुजारिश है कि अपना काम करते हैं।